अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ZLT X28 को एंटीना लगाना सीखेंगे। पहले हमने ZLT X28 को एंटीना लगाया लेकिन वो ओरिडो था, तो आज मैंने अगर ड्यू का ओपन किया तो इसका सारा सिस्टम ही चेंज है। इसका जो एंटीना मेन है ना, वो एंटीना 1 है, नंबर 1 पर जो है ना एंटीना, ये इसका मेन एंटीना है। इसमें एंटीना 7 जो है ये इसका डाइवर्सिटी एंटीना है, नंबर 6 है और एंटीना 7 ये इसका डाइवर्सिटी एंटीना है। तो अभी हम एक दफ़ा इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं एंटीना के बिना, और फिर एंटीना लगा के देखते हैं क्या डिफरेंस जनरेट करता है। हमारे पास जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो -108 RSRP है, और सिंगल बैंड चल रहा है 4G+, अभी तक हमारे पास नहीं आ रहा। इसमें हम स्पीड टेस्ट करते हैं। ZLT X28 की स्पीड जो है वो लो सिग्नल पर भी बहुत अच्छी मिलती है ओवरऑल, तो ये भी हम देखते हैं। तकरीबन 20 MB जो डाउनलोड स्पीड हमारे पास आ रही है अभी इस पर विदाउट एंटीना, और सिग्नल स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो बहुत कम है। एक सिग्नल है -108 तक RSRP है, और इसमें जो हमारे पास अपलोड स्पीड है वो तकरीबन हमारे पास 2 MB के लगभग आ रही है। तो ये एंटीना 1 जो है, एंटीना 1 इसका मेन एंटीना है। अभी मैं इसके साथ एंटीना अटैच करने लगा हूँ। अभी एंटीना हमने अटैच कर दिया इसके साथ, और चलते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ की तरफ। तो 3 सिग्नल हो गए हैं, और RSRP जो है वो -108 हो गए, -97 पर आ चुकी है। तो इस पे हम स्पीड टेस्ट करते हैं। इस पे स्पीड जो हमारे पास है तकरीबन 30 MB के लगभग चली गई है डाउनलोड स्पीड, और इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ जो हम देख सकते हैं काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और जो इसमें अपलोड स्पीड है वो हमारे पास विदाउट एंटीना तकरीबन 2 MB आ रही थी, और एंटीना लगाने से भी 10-12 MB स्पीड हो गया। तो एंटीना का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें। अगर आप लोगों के पास सिग्नल स्ट्रेंथ पूरी हो तो फिर एंटीना लगाने का खास फ़ायदा नहीं होता। अभी हमारे पास तकरीबन 25 MB डाउनलोड और 10 MB अपलोड स्पीड आ रही है। तो इसका एंटीना 1 मेन एंटीना।